रामा, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना करो अभी तक तो जो बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लियो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लियो है तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, वीडियो देखियो अंत तक और अच्छी लगे तुम्हारी अंधाधुंध शेयर लाइक और कमेंट करियो बढ़िया सी। चलो शुरू करते हैं। बालकों रामू के यही सासु के उदम करवाऊं, आज हमारे स्कूल में अधिकारी आए वारो है। कोई भाई सामने फालतू मत बोलियो, जितना आम तो उतना ही बताइयो, ना आम तो चुप उठाड़ी रही हो। कोई फालतू बोलो सारे न्याति तक मत तो ले जाऊंगो, इतनी पना भरेंगी चांदगंजी है जाई। तू कौन है तेरी हमें बोली बिना बुलवाई भाई है? मालूम है उन्हें भाई। सासु को फालतू न बोल जाए, जो अधिकारी आ रहा मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई फालतू बोल गो तो। सर नमस्ते। अरे नमस्ते सर, नमस्ते। हमने आपके बच्चों की बहुत तारीफ सुनी है। हाँ माँ, सब सही सुनी है, हमारे बच्चे बहुत काबिल और होशियार हैं। अरे कल तू वही पेंसिल ले वो। अरे ना ये मैं निकल जाऊंगा वही की पेंसिल। अरे चुप, लौट आते ही हूँ, नहीं तो गड्डी से भिड़ा हूँ। 3 रुपए की पेंसिल लाओ। नहीं चुप रहना, चुप रहना। दिख रहे हैं कितने काबिल हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। चलो बच्चों ये बताओ, मच्छर के कितने दांत होते हैं? मच्छर के दांत? तुम देखे ना कभी मच्छर के दांत? ना यार, मैंने ना देखे। बोला मोटे मोटे मच्छर देखे, सास को दांत खाओगे ना देखे। मास्टर तुम्हारी ये बुद्धि में है ही कमी, हमने तो आते मच्छर के दांत देखे ना। और अब तुम कहेंगे कि मैंने देखे, तुम तो सर हमें कछु बता दो गलत असल तो हम कैसे मान लें। हम तुम गिने के बताइयो कौन ना पढ़ लियो कौन ना, हम तो ऐसे मानेंगे ना भैया, हमने तो देखे ही ना है, तो हम मान के जिले मच्छर के दांत होते हैं। चलो बच्चो ये बताओ, हमारे देश में जो दहेज प्रथा चल रही है वो क्या है, उसके बारे में बताओ। दहेज प्रथा याओ का बताओ मासा। हे मासा, तो ने भी जीवना मालूम मासा। पहली बात तो जी है कि मैं फ्री में काऊ बुना बसु बतावत, 10 रुपया लेंगे 10 रुपया। क्या मासा, कैसे पागल बच्चे हैं, क्या सिखाया इनको? चलो मैं 10 रुपए दे दूंगा, बताओ। चलो बताओ मासा। देखो दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा है, यहाँ में चोरी वारो चोरा के खाए टीवी फ्रिज कूलर पंखा वॉशिंग मशीन बेड सोफा बर्तन भांडे चम्मच दे और पैसे दे और मोटरसाइकिल दे। अबे यार क्या बेवकूफ बच्चे हैं। तो मासा हम तो उनसे एक सवाल पूछ ले रहे हैं। ए मासा, हम तो तुम्हारी नॉलेज चेक करें। क्या तू पूछ रहे हो कि मैं पूछूं? ना ना, मैं पूछूंगा। मासा सुनो, देखो मुर्गी अंडा देती है और गैया दूध देती है, पर ऐसा को है जो अंडा और दूध दोनों देता है? हट, ये कैसा बेवकूफ सवाल है। मासा दुकानदार है, दुकानदार जो अंडा देतो है और दूध देतो है। मासा तक सुनावत ही यहाँ वो मेरे से मुंह उठाके। मासा अपनी बुद्धि को चेकअप कराऊ, जाओ हॉस्पिटल में।